उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी खबर लेकर आया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के 1 सितंबर को हाईकोर्ट में फैसला सुनाया गया और इस भर्ती प्रक्रिया में जो कि एक लंबे समय से रोक लगी हुई थी अब इसे हटा दिया गया है। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया में NIUS डीएलएड अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया है, क्योंकि आपको बता दें कि जो NIUS अभ्यर्थी हैं उनका मामला पहले भी कोर्ट में जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में NIUS जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको मान्यता दी है। तो ऐसे में राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं जा सकती है। तो इस प्रकार से जो NIUS अभ्यर्थी हैं उनको भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया है। तो हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में रोक हटाई, कहा नियुक्तियाँ कोर्ट के आदेश के अधीन रहेंगी। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार 1 सितंबर को सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटाते हुए सरकार को निर्देश दिए हैं कि अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित करते हुए भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करें, ये नियुक्तियां कोर्ट के आदेश के अधीन रहेंगी। कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी कहा कि इनकी नियुक्ति 2012 की नियमावली और शिक्षा का अधिकार अधिनियम को सुसंगत धाराओं के तहत करें। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार जितेंद्र सिंह और अन्य ने राज्य सरकार के 10 फरवरी 2021 के शासनादेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि 2019 में NIUS से के दूरस्थ शिक्षा माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त हैं, लेकिन राज्य सरकार ने उक्त माध्यम से प्रशिक्षितों को सहायक अध्यापक प्राथमिक की नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने 16 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 6 जनवरी 2021 को जारी आदेशों में NIUS को दूरस्थ शिक्षा पद्धति में डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को अन्य माध्यमों से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के समान माना है। इस प्रकार राज्य सरकार केंद्र सरकार के विरोधाभासी आदेश नहीं कर सकती। तो देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर केंद्र ने यहाँ पर 6 जनवरी 2021 को एक आदेश जारी किया था और जिसमें यहाँ पर जो NIUS है इनको भी यहाँ पर मान्यता दे दी थी और ऐसे में ये अभ्यर्थी भी जो हैं वो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में जो है राज्य सरकार वो यहाँ पर केंद्र सरकार का विरोधाभासी आदेश जारी नहीं कर सकती है। इसी वजह से यहाँ पर जो NIUS अभ्यर्थी हैं उनको भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है। तो इन तर्कों के आधार पर पूर्व में कोर्ट ने राज्य सरकार के उक्त शासनादेश पर रोक लगाते हुए इन अभ्यर्थियों को भी सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा भर्ती में शामिल करने को कहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार ने सहायक अध्यापक भर्ती के 2600 पदों हेतु दिसंबर 2018 में विज्ञप्ति जारी की थी। इस मामले पर कोर्ट ने जनवरी 2021 में रोक लगा दी थी। तो जो अभ्यर्थी यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों को यहाँ पर अभी भी कन्फ्यूजन है कि क्या NIUS अभ्यर्थियों को यहाँ पर इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। डीएलएड अभ्यर्थियों को सबसे पहले यहाँ पर दिया जाएगा, साथ में जो NIUS अभ्यर्थी हैं इनको भी यहाँ पर लिया जाएगा और उसके बाद जो यहाँ पर पोस्टें बचती हैं तो उन पर बीएड वाले अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा। साथ में यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो 2012 की नियमावली के अनुसार होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्पष्ट है कि जो NIUS से अभ्यर्थी हैं उनको भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।